अगर मालवा में यातायात अवरुद्ध होने के कारण कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप सिंह भदौरिया ने आगर नगर में विजय स्तंभ से अस्पताल चौराहा होते हुए बड़गुद दरवाजा तक रोड के दोनों साइड में लगने वाले फल फ्रूट सब्जी के ठेले रेडीमेड कपड़ों के ठेले वाले छोटे व्यवसायियों को मुर्गी घर परिसर की भूमि में ठेले और दुकान लगाकर व्यवसाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 फरवरी सोमवार के पूर्व तक मुर्गी घर में दुकानें और यहां पर भूमि दुकान लगाने के व्यवसाय करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ठेले लगाना 7 फरवरी तक सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद सड़क के किनारे दुकान और ठेले पाए जाने पर नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किए जाने की बात कही। केसरिया में सड़क के दोनों किनारे पर कुछ स्थायी लोगों ने हाथ ठेला कमेटी लगा रखी है। उन लोगों को आज से 10-15 दिन पहले भी इंटीमेट किया था कि वो सभी लोग मुर्गी घर में शिफ्ट हो जाएं, किंतु उस समय उनका समय कम मिला था इसलिए उन्होंने 3 दिन का समय और मांगा था, तो आजकल लगभग 15 दिन हो चुके हैं। तो मुर्गी घर में नगर पालिका ने साफ सफाई करा के सब आधारभूत सुविधाएं कर दी हैं, तो उन लोगों को वहाँ शिफ्ट करने को बोला है कि वो रोजगार वहाँ करें। कब तक शिफ्ट हो जाएंगे सर? उनको सोमवार तक का समय दिया है, रविवार तक का, सोमवार को उन्होंने शिफ्ट होने का बोला है, अनाउंसमेंट भी कराया और पेपर में भी प्रकाशित कराया ताकि लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। यदि सर ये लोग नहीं हटते हैं तो उस आगे क्या कार्रवाई है इनके लिए? हालांकि पूर्व में इनके जो मंडी के अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके सदस्य हैं, ये काम करते हैं, जो इन लोगों से बातचीत हुई है और वो इच्छुक हैं कि हट जाएंगे वहाँ से, वहाँ शिफ्ट।